मानसून की पहली बारिश के साथ ही समदड़ी के बासिंदों में कभी खुशी कभी गम का माहौल है। खुशी इस बात की कि अच्छी बारिश के चलते दो दिनों में ही यहां के मेली बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है, लेकिन बांध की एक दीवार के पहले से ही क्षतिग्रस्त होने के कारण उसके गिरने की आशंका से ग्रामीण खौफजदा है। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े बांध के रूप में पहचाने जाने वाले मेली बांध में शनिवार शाम से ही इंद्रदेव की मेहरबानी के बाद लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 13 फीट के करीब मेली बांध में पानी की आवक हुई है। इससे आसपास के किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर नजर आ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इस बार हुई बारिश के बाद मेली बांध में पानी की आवक से आसपास के कृषि कुओं में पानी के रिचार्ज की संभावना बढ़ गई है। वहीं उपज भूमि में भी इस बारिश से काफ़ी फायदा होगा। एक ओर जहां मेली बांध में पानी की आवक से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर चिंता के बादल भी उनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं। चिंता इसलिए क्योंकि मेली बांध की एक दीवार लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन ने अब तक इसकी शुद्ध नहीं ली है। अब जब बारिश के बाद प्रशासन दीवार की मरम्मत करने को लेकर रुचि नहीं दिखा रहा है, तो ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है। अगर दो दिन में अंदर बारिश फिर होती है तो मेली बांध के पानी का स्तर और ज़्यादा बढ़ना तय है और इतना पानी क्षतिग्रस्त चार दीवारी झेल पाए ऐसा मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है। किसान हम खुशी की लहर है। दो साल के बाद में इसमें पानी आया है, 12 फुट पानी आया है मेली बांध। इससे क्या फ़ायदा होगा पानी से? पानी पीने के लिए भी काम आएगा, सिंचाई भी काम आएगा, मवेशी भी पिएगा। मेली बांध में कल रात को बरसात होने से अच्छी पानी की आवक हुई है और गाय पशु दम तोड़ रहा था उसको भी राहत मिली है और जगह जगह से दीवार पूरी क्षतिग्रस्त हुई है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कभी भी अब की बार ज़्यादा पानी आया गया तो कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। पिछले दो सालों से अकाल की मार झेल रहे बाड़मेर जिले में इस बार वर्षा के साथ उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। किसानों और पशुपालकों में भी बारिश के बाद खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लंबे समय से अकाल की मार झेल रहे बाड़मेर जिले में पानी और चारे के अभाव में सैकड़ों की तादाद में पशुधन दम तोड़ चुका है। अब जब जमकर बारिश हो रही है तो इस वर्ष अकाल से भी छुटकारे के आसार नजर आ रहे हैं।